कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रामनाथ रेड्डी राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में यहां से गुजरे और यात्रियों को पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। राहुल और सीएम रेड्डी सुखनगर सिटी सेंटर में एक आरटीसी बस में चढ़े। राहुल ने आरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की संभावना के बारे में पूछताछ की। राहुल गांधी ने यात्रियों से युवाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय और श्रमिकों के लिए न्याय के बारे में बात की, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल है। इस बीच गुरुवार को तेलंगाना में मेडक इलाके में एक रैली में कांग्रेस नेताओं ने विपक्षी गठबंधन सेंट्रल इंडिया ब्लॉक के सत्ता में आने पर 3 मिलियन सरकारी नौकरियां भरने का वादा किया। राहुल गांधी ने देश में बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अरबों युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। उन्होंने कहा, भाजपा ने देश में लाखों युवाओं को बेरोजगार बना दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले नौकरी गारंटी प्रणाली लेकर आई है। इस योजना के तहत हम हर शिक्षित युवाओं को 1 लाख रुपए की शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, 4 जून को भारत सरकार बनते ही हम 3 लाख सरकारी पदों को भरना शुरू कर देंगे। मौजूदा आम चुनाव को 2 विचारधाराओं के बीच का चुनाव बताकर संविधान को नष्ट करने का दावा किया है। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।